हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का डिटेल एनालिसिस लेकर आई हूँ। ये कंपनी है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अपने क्षेत्र की सबसे बढ़िया और बढ़िया नेट प्रॉफिट मार्जिन की और मार्केट लीडर है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। पेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पेंट इंडस्ट्री में 75% जो शेयर है वो डेकोरेटिव पेंट्स का आता है और 25% जो शेयर है वो इंडस्ट्रियल पेंट्स का आता है। डेकोरेटिव पेंट्स में हम अपने घरों में डेकोरेशन के लिए जो भी पेंट्स यूज करते हैं वो डेकोरेटिव पेंट्स में आते हैं, और बाकी जो इंडस्ट्री में पेंट्स यूज होते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो, मरीन हो, पैकेजिंग हो, ये सारे जो पेंट्स यूज होते हैं वो इंडस्ट्रियल पेंट्स कहलाते हैं। पेंट इंडस्ट्री का जो ओवरऑल मार्केट है वो लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट है, तो एक बहुत बड़ा मार्केट हम कह सकते हैं अब हमारी इकोनॉमी में पेंट इंडस्ट्री का है। अब अगर हम बात करें एशियन पेंट्स की तो ये हमारे देश की नंबर वन कंपनी है पेंट बनाने वाली। डेकोरेटिव पेंट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ऑटोमेटिव या इंडस्ट्रियल पेंट की बात नहीं कर रही हूँ। एशिया की ये तीसरी सबसे बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनी है। लगभग 65 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड करती है। इसका जॉइंट वेंचर है पीपीजी इंडस्ट्रीज के साथ। ये अमेरिका की कंपनी है और इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है, और ये दोनों कंपनियां मिलकर कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आती हैं। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, ओवरऑल 8 जगहों पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और ये अपने प्रोडक्ट को सिमुलेटेड लैब में टेस्ट करने के लिए इसने महाबलेश्वर में 2019 में ही एक साइट को बनाया है। तो एशियन पेंट का नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, बहरीन, यूएई जैसी कंट्रीज में इसका बिजनेस है। 48% इसका जो रेवेन्यू है वो एशिया से आता है, 20% इसका अफ्रीका से रेवेन्यू आता है, 26% मिडिल ईस्ट से, और 6% साउथ पैसिफिक से इसका रेवेन्यू आता है। इसके ब्रांड्स अलग अलग नाम से इसके ब्रांड्स हैं, अलग अलग देशों में ये अलग अलग नाम से अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। जैसे आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, ये सारे इसके ब्रांड्स। प्रोडक्ट रेंज हम देखें तो सिर्फ ये पेंट ही नहीं बनाती है, इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसका जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें टूल्स भी आते हैं, बाथरूम की फिटिंग्स भी आती है, एडहेसिव इसने रिसेंटली लॉन्च किया था, और जब एडहेसिव इसने लॉन्च किया था मार्केट में तो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको बहुत ही इफेक्टिवली इसने यूज किया, और उसको यूज करते हुए अपने एडहेसिव प्रोडक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रमोट भी किया। और इसके किचन्स में मॉड्यूलर्स किचन के चैनल्स भी बनाती है, और बाथरूम फिटिंग्स भी ये बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं, और सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके इंटीरियर्स को भी ये सर्विस देती है, और छोटे कस्टमर्स अगर कोई है तो उनको भी कलर कंसल्टेशन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही वाटर प्रूफिंग भी इसका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है, और अभी रिसेंटली इसने 15 साल की गारंटी वाला वाटर प्रूफिंग छत के लिए लॉन्च किया था, उसको भी बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च की हम बात करें तो इस साल इसने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। पेंट सेक्टर में अगर हम प्रोडक्ट्स इसके देखें तो इसने रॉयल हेल्थ शील्ड को लॉन्च किया है, जो एंटी बैक्टीरियल पेंट बनाया है इन्होंने, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं या जिनको केमिकल की स्मेल से कुछ प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया है। इसके साथ ही इसने एक रस्ट शील्ड करके एक पेंट बनाया है, जो कि घर में मेटेलिक सरफेस जो है उनको, जिनमें भी जंग लग गई है, रस्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी ये एक्सटेंडेड लाइफ दे सकता है ये पेंट, थोड़ा टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड पेंट है। इसके साथ ही ये निलाया नेचुरल्स पेंट ये लेकर आने वाले हैं, इस साल ये लॉन्च करने वाले हैं। इस पेंट की खासियत ये है कि इसमें 95% जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं, पूरे ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स इस पेंट में ये लेने वाले हैं। अल्टीमा प्रोटेक्ट लैमिनो लॉन्गर लाइफ के लिए ये लेकर आए हैं। जनरली पेंट की जो लाइफ है उसके कंपैरिजन में इस पेंट की लाइफ कहीं ज्यादा रहेगी, ऐसा इस कंपनी का कहना है। इसी के साथ इस कंपनी ने एक नया स्टोर लॉन्च किया है, नए स्टोर की चेन एक इसने लॉन्च किया है, वो एपी होम्स के नाम से। एपी होम्स की खासियत ये है कि जब भी हम अपना घर बनवाने जाते हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप इस स्टोर में एक ही छत के नीचे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे वो सैनिटरी वेयर हो या वॉल के कलर्स हो या वॉलपेपर हो या टाइल्स हो, जो भी आपकी नीड्स है वो सारी घर बनाने वाले जो भी नीड्स है वो सारी इसमें पूरी हो जाएंगी। ऑनलाइन पोर्टल, इनके दो पोर्टल्स चलते हैं, beautifulhomes.com और asianpaints.com। इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐप भी इस साल लॉन्च किया है। एक और इनकी जो नया स्टोर इन्होंने लॉन्च किया है उसकी एक और खासियत ये है कि वहाँ पर ये अपने कस्टमर्स को
डिजिटल विजुअलाइजेशन की भी सहूलियत देने वाले हैं, जैसे कि अगर कस्टमर्स कोई कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना चाहता है कि वो वॉल पे कैसा लगेगा, तो वो वहाँ पर डिजिटली विजुअलाइज कर सकता है। तो ये इसका एक नया स्टेप है और इस कंपनी को ऐसी उम्मीद है कि इससे इसका जो रेवेन्यू है या मार्केट शेयर है वो बढ़िया बढ़ेगा और इसको अच्छी बढ़त मिलेगी। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म इसने बढ़िया किया है इस कंपनी ने। 2015 में इसका जो रेवेन्यू था वो 1,16,000 मिलियन के अराउंड इसका रेवेन्यू था, बढ़कर 2019 में इसका रेवेन्यू 1,93,000 के अराउंड इसका रेवेन्यू हो गया। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इसने रेवेन्यू में दी है और प्रॉफिट में इसका 13,000 मिलियन के अराउंड प्रॉफिट था, और जो कि बढ़कर 2019 में इसका नेट प्रॉफिट 22,000 मिलियन के अराउंड इसका नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका लगभग 11% के अराउंड हमेशा ही रहा है। ICR जो है इस कंपनी का, इस साल के लिए ICR 64 का रहा है। ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने उसका सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। तो इसने ओवरऑल पिछले 7 सालों में जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इसने 14% की ग्रोथ दिखाई है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसने कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट दिखाया है नेट प्रॉफिट में, वो 13% का इसने ग्रोथ दिखाया है पिछले 7 सालों में। अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़िया है, 52% के अराउंड प्रमोटर्स की होल्डिंग है। उसके अलावा FII इसको 16% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड इसको 4.74% होल्ड करते हैं, और DIIs भी इसको होल्ड करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास इसकी लगभग 21.51% के शेयर्स हैं। तो एक बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न हम कह सकते हैं इस कंपनी में है। तो अगर अब हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो इस कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा जो इकोनॉमी है वो $5 trillion की इकोनॉमी अगर हम बनने वाले हैं, तो हाउसेस में जो डिमांड है, डेकोरेटिव सेक्टर्स में जो डिमांड है, या इंडस्ट्रियल ओवरऑल डिमांड बहुत ही बढ़िया आने वाली है इस सेक्टर के लिए। जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, वर्किंग फोर्स अगर हमारी कंट्री में बढ़ता है, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से पेंट इंडस्ट्री को एक अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तो हम अपने घर को पेंट कराने की नहीं सोचेंगे, और इस कंपनी का कहना है कि इनको मेन डिमांड जो आती है वो हाउस होल्ड से ही आती है। तो जितना ज़्यादा यूथ प्रोफेशनल हमारी कंट्री में होगा, उतना इस कंपनी को फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। प्लस ये जो इंडस्ट्रियल पेंट के सेगमेंट में नहीं है, इंडस्ट्रियल पेंट जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता है, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डेकोरेटिव पेंट्स में उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, तो इनको इस चीज़ में थोड़ा एक बेनिफिट मिल जाता है। और हम बात करें डिस्टेम्पर और जो लो कॉस्ट इमल्शंस होती हैं, तो इस कंपनी का कहना है कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा लो कॉस्ट डिस्टेम्पर और इमल्शन की डिमांड बढ़ने वाली है, और उसमें इनको बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अदर अपॉर्चुनिटीज इसकी देखें हम, तो किचन सेगमेंट में जो वुड वर्क का सेगमेंट है, तो हमारे यहाँ 7-8% जो है उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, और रेस्ट जो है वो लोकल कारपेंटर के द्वारा जो काम किया जाता है वो आता है। लेकिन अब लोगों का जो फोकस है या लोगों का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है वुडवर्क के तरफ, जो मॉड्यूलर किचन आजकल बनती है उसके तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि स्पेस सेविंग होती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो कंपनी के अनुसार लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को डिजाइन के साथ ही उनको सर्विस भी मिल जा रही है। आफ्टर उनके जो वर्क कंप्लीशन है उसके बाद कुछ वारंटी की सर्विस मिल जा रही है, जो लोकल कारपेंटर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो ये सारी चीज़ों के चलते लोग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो सैनिटरी वेयर, जो बाथरूम का जो सेगमेंट है, उसमें भी जो टाइल्स का मार्केट है वो 60% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के द्वारा कंट्रोल होता है और 40% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। अब लोगों की ब्रांड अवेयरनेस कुछ ज़्यादा बढ़ रही है और क्वालिटी अच्छी लोग लगवाना चाहते हैं अपने घर में, और इसके चलते ब्रांडेड टाइल्स के तरफ लोगों का इंक्लाइन ज़्यादा हो रहा है ब्रांडेड टाइल्स के तरफ, और इसके चलते इनको इस मार्केट में भी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। रिस्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रिस्क टाइट क्रेडिट जो है अवेलेबिलिटी मार्केट में, अगर लोन नहीं मिलता है लोगों को तो घर नहीं बनते हैं, और घर नहीं बनते हैं तो उनमें पेंट भी नहीं होता है। तो उसके चलते अगर मार्केट में क्रेडिट अच्छी अवेलेबिलिटी रहेगी, लोगों में इनकम अच्छी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में अगर कम होगा तो इस कंपनी को फायदा होगा उससे। दूसरा एक रिस्क इसको आता है हाई इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल।
जैसा कि आप जानते हैं पेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल यूज होते हैं यहाँ पर, तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इसके मार्जिन श्रिंक होने की संभावना है। वाटर एक जो है इसमें बहुत की इंग्रेडिएंट है पेंट बनाने के लिए, वाटर बेस्ड पेंट हो या इमल्शन हो, तो उसके चलते इसको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है वाटर के लिए। और आप देख सकते हैं हमारे देश में पानी की दिन पर दिन कमी होती जा रही है, तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये कंपनी लगातार जो सीवेज का वाटर होता है, ट्रीटेड वाटर होता है, उसको यूज करने की सोच रही है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लान करिए, तो ये सारे कदम ये कंपनी उठा रही है। एक और इस कंपनी के लिए जो रिस्क हो सकती है वो हो सकती है जो फॉरेन करेंसी है उसमें फ्लक्चुएशन जो होता है उससे इसके मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का जो इम्पोर्ट होता है उसमें पेमेंट ये फॉरेन करेंसी में करती है, तो इसके लिए सेंसिटिव है फॉरेक्स के ऊपर। एक और रिस्क इस कंपनी के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉय हैं उनको अपने साथ रिटेन करके रखना, आप जानते होंगे किसी भी बढ़िया कंपनी के एसेट जो है उसके एम्प्लॉय होते हैं, तो इस कंपनी के अकॉर्डिंग भी उसके एसेट एम्प्लॉय हैं, अगर ट्रेन्ड एम्प्लॉय इसके साथ रहते हैं तो ये और भी बढ़िया परफॉर्म आने वाले समय में करने वाली है। हमारे देश में अभी भी डोमेस्टिक जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें 35% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, तो मतलब कि जो ब्रांडेड पेंट है उनको 35% जो लोग हैं वो उनको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पेंट्स महंगे लगते हैं और वो सस्ते प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं, तो उसके चलते इनके जो लो एंड इमल्शन है या डिस्टेंपर है उन पे हमेशा ही प्राइस का प्रेशर बना रहता है, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये यहाँ से नहीं कमा पाते हैं, ये एक रिस्क है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि आप अभी तुरंत इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये अभी अपने 52 वीक हाई प्राइस पे चल रही है, अभी ये एक्सपेंसिव है मार्केट में। कोई भी डिप आता है तो हम SIP जरूर कर सकते हैं, बढ़िया बाइंग रेंज कहलाएगी 1100 to 1200 1250, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप तब तक वेट करें, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है तो आप कोई भी डिप आने पे SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, जितना भी डिप आता है तो धीरे धीरे करके एक्युमुलेट कीजिए, और इसका टारगेट 1 साल या 2 साल के लिए कंपनी आप बिल्कुल मत रखिए, इसको आप रखिए कम से कम 10 साल के लिए, 5 से 10 साल अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो बढ़िया आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। एक मैं कंजर्वेटिव आइडिया अगर बात करूँ तो 2025 तक ये आपको 3200 से 3500 का प्राइस रेंज इसको दिखाना चाहिए, ये मैं बहुत कंजर्वेटिव प्राइस की बात कर रही हूँ, इससे अच्छा भी प्राइस हो सकता है, ये आने वाले मार्केट और इकोनॉमी के कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ये यहाँ पर मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे रही हूँ कि आप बाई कीजिए या सेल कीजिए, ये मेरा एक एनालिसिस है इस कंपनी के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।